जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु मारुकमणि फिर से हाजिर है आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के, आपको बताने के लिए कि इस सप्ताह में आपके साथ क्या होने वाला है। 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये लागू होगा, तो जानते हैं क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों का सावधानियां रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपने अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो राशि है उसके हिसाब से देखना है। वो नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको और भी मैसेजेस चाहिए तो आप एक से ज्यादा भी वीडियो देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी लगन के हिसाब से और अपनी राशि के हिसाब से दोनों ही देखेंगे तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। अभी कल ही हमारी टीम बता रही थी कि गुरुमा काफी सारे मैसेजेस हैं जहां वो कहते हैं कि 98% हमसे मैच करता है, 99% मैच करता है। तो अरे भैया, 2% 1% तो किसी और के लिए भी छोड़ दो, उनके लिए भी कोई ना कोई मैसेज इसी राशिफल में है। तो जो आपसे आपकी लाइफ पे मेल खा रहा है उसको रखिए, जो नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ सामान आपका खो गया है, या आपका कोई रिश्ता जो है वो टूट गया है, या कुछ आपसे लूज हो रहा है, कुछ छूट रहा है, या कुछ आपने खो दिया है, तो इस हफ्ते में उसकी प्राप्ति वापस से आपको हो सकती है। अचानक से वो चीज आपको मिल सकती है, या आप जो सोच रहे थे कि बिल्कुल ही चीजें हाथ से निकल गई हैं तो वो वापस ठीक हो सकती हैं। तो काफी सारे लोगों के लिए कुछ खो के पाने का ये समय है, उसका भरपूर लाभ उठाइए। अगर कुछ भी ऐसा है, बहुत समय से ढूंढ रहे थे मिल नहीं रहा था, तो इस हफ्ते में ढूंढना जरूर आपको मिल जाएगा। वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति या तो कोई नया ऑफर आपको आ सकता है, या आपके मन में ही ऐसी भावना आ सकती है कि इससे बेहतर तो मैं कोई और जॉब कर लूं, या इससे बेहतर मैं कुछ और काम कर लूं। तो वहां थोड़ी सी जॉब पे निराशा होने की वजह से, या दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रेंड है आपका, या मतलब फ्रेंड नहीं है एग्जैक्टली, फ्रेंड से थोड़ा कम है, आपका नोन पर्सन है, वो आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा है कि मुझे तो इतनी सैलरी मिलती है, मुझे तो इतना अच्छा मिलता है, हमारा ऑफिस ऐसा है, हमारा ऑफिस वैसा है, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हो कि इससे अच्छा तो हम चेंज कर लेते, हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये जॉब अच्छा नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपको उन चीजों पर थामने की, लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो जो इंसान है वो आपको पूरा सच नहीं बता रहा है। तो आप इस जगह जहां पर है, जिस जॉब पे है, बहुत लोगों से बेटर है, तो वहीं पर अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। फिलहाल अभी जॉब चेंज का सोचिए भी मत, चाहे आपको कितना भी अच्छा ऑफर आ जाए, क्योंकि वो ऑफर आपके लिए उचित नहीं होगा। साथ ही अगर आपको किसी तरीके से प्रमोशन का ऑफर मिलता है अपने ही ऑफिस में, तो उसको भी आपको बहुत सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम कराया जाएगा। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो उस पर भी बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बोझ को दिया जा रहा है, आपको थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जॉब पे बढ़ सकती है, तो उसको इतनी आसानी से हाँ मत करना जब तक कि आप फ्री नहीं है, उस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य नहीं है। बात करते हैं हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में काफी सारे लोग इस समय आपके बिजनेस से आकर्षित होते हुए, या आप किसी ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या काफी सारे और बिजनेसमैन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां आप ही के जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन आपको मिल रहे हैं, या ऐसी किसी शादी पार्टी में, या ऐसे कहीं जाना हो सकता है आपका, जहां बहुत सारे ना आप ही की तरह के लोग आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका विजन ब्रॉड होगा, आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ अच्छे डेटा आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ बड़े बड़े नंबर्स करोड़ों के आपको सुनने के मिलेंगे, जिसकी वजह से आप काफी इंस्पायर्ड होने वाले हो कि हमें भी अपने बिजनेस को उस लेवल पे लेके जाना है, हमें भी अपने बिजनेस को इतना अच्छा करना है। तो ऐसा कुछ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो इस समय बिजनेस में जो है बढ़ोतरी तो डेफिनेटली है, लेकिन मेल जोल ज्यादा है। तो अगर आप कोई पुराने कस्टमर्स जो है वो आपसे टूट गए थे, तो उनसे मेल जोल बढ़ाइए। अगर आप कोई इस समय में कोई ऑफर डिस्काउंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पुराने कस्टमर्स लौट के आए, या आप कोई ना कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, कोई स्कीम हो, कोई ऑफर हो, कुछ लोगों को इनवाइट भेजना हो, या कुछ लोगों को मैसेज करना हो, या किसी भी तरीके का नया मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके बिजनेस को ग्रोथ देने में। हमारा राशिफल यूट्यूब के अन्य राशिफल की तरह नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। चलो ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, मेरा राशिफल 100% मैच होता है, आपकी बातें कुछ ना कुछ लाइफ से जुड़ी हुई होती है। गुरुमा, आपकी बातें सच हुई।
गुरुमा प्रणाम, आप बिल्कुल सही बताते हैं। गुरुमा प्रणाम, राशिफल 100% सत्य होता है। 100% सही बता रहे हैं गुरुमा आप। गुरुमा 90% बातें आज दिख रहा है, 100% सच होती है जो गुरुमा कहती है। गुरुमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो राशिफल में बताया था वही हुआ मेरे साथ। गुरुमा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जो आप बोलते हैं। और इस समय में आपके मन में काफी इच्छाएं होंगी अपने बिजनेस को, नंबर्स को बढ़ाने में, मतलब ग्रोथ देने में। काफी लोग मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि हमें भी करोड़ों रुपए कमाने हैं, हमें भी स्टार्टअप शुरू करना है, अपने स्टार्टअप को बहुत लंबा लेके जाना है, अपने बिजनेस के साथ एक और बिजनेस डालना है, ऐसी कुछ भावनाएं आपके साथ आ सकती हैं। मनी की बात करें तो मनी जो है वो इस समय में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पैसा जो है आपकी सेविंग्स में बस ऐसे ही पड़ा है, थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। वहां मुझे लगता है आपको थोड़ी फाइनेंशियली प्लानिंग करने की जरूरत है, फाइनेंशियली उस बारे में सोचने की जरूरत है कि और कहाँ इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम इसके साथ अगर कुछ और कर सकते हैं या अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, कुछ वो उस तरह की चीजें मुझे ऐसा लग रही है आपको करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है, ये हफ्ता आपके रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लोगों के लिए बात करें तो प्रॉपर्टी में किसी तरीके की, जैसे आपके पड़ोसी में अगर कोई लेडीज है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कुछ ओल्ड लेडी है या कुछ थोड़ी मतलब मेच्योर लेडीज हैं, उनकी वजह से वो डील जो है वो आपकी टूट सकती है, तो वहां से आपको चोरी छुपे थोड़ा ये काम करना होगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रह सकता है, यानी कि हफ्ते में थोड़ा बात किए, थोड़ा एक दूसरे को अवॉइड किए, थोड़ा ब्लॉक कर दिए, थोड़ा लड़े, फिर से नॉर्मल हो गए, तो ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। मतलब थोड़ा पार्टनर जो है वो मूडी होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों के पार्टनर जो है उन्हें अचानक से ब्लॉक भी कर सकते हैं, फिर अनब्लॉक भी कर सकते हैं, तो दोनों ही चीजें इस हफ्ते में हो सकती हैं। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो फैमिली में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको काफी ख्याल रखने की जरूरत है अपने बच्चे की, एक तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों के सपने इस समय में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। सफेद ड्रेस में पहने हुए लोग, पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देने ही आ रहे हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा उनके सपने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे डरिएगा मत। अदरवाइज फैमिली लाइफ में देखें तो मदर के ऊपर थोड़ा खर्चा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मदर पे आपका बहुत खर्चा हो रहा है, शायद हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। मदर या फिर मदर की मदर, उनके साथ थोड़ा सा इशू हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी को बाय द वे अपना हार्ट में प्रॉब्लम है तो वहां थोड़ा पेन आपको हो सकता है, या ऐसा लग सकता है जैसे थोड़ा सा भारीपन हो रहा है। अदरवाइज हेल्थ आपकी इस हफ्ते में जो है वो अच्छी ही बनी रहेगी। थोड़ा सा पैरों में दर्द होगा लेकिन वो आप संभाल लोगे, कोई ऐसे बिग इशू की बात नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है भैया वो अपने सजने संवरने में टाइम वेस्ट इस समय में करेंगे। पढ़ाई करते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हो, आप या तो किसी और को सजते संवरते देख रहे हो या खुद ही उन चीजों पे ध्यान रख रहे हो। ग्रूमिंग ज्यादा कर रहे हैं, अपने स्टाइल को चेंज करते हुए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन चीजों में आप थोड़ा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, इसकी वजह से टाइम काफी वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस हफ्ते में थोड़ा मिनिमल रहने की जरूरत है, अपना नहाए, फटाफट से नहाए और अपना तेल डाला, कंघी करी और बैठ जाओ पढ़ने के लिए, तभी आपका ये जो हफ्ता है एजुकेशन के पर्पज से अच्छा हो पाएगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ना कुछ लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, खास करके आपके जो चाहने वाले हैं या आपके जो बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में प्रेरित कर रहे हैं या आपको कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, आपके मन से बिल्कुल भी उसके लिए आवाज नहीं आ रही है और आप अपने ही राउट पे जा रहे हैं, अपनी ही दिशा में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो वेल विशर्स हैं या आपके जो फैमिली वाले हैं, वो थोड़ा सा मुंह बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं आपसे, कॉर्नर कर सकते हैं, आपसे बात नहीं करें या आपको अवॉइड कर लें, आपसे मुंह चिढ़ा लें, मुंह फुला लें, ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप अपने धुन के पक्के हैं, आपको पता है कि ये चीज करने से फायदा होगा, तो अपने मन की आवाज आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वही कीजिएगा। दूसरों की बातों में इस हफ्ते में बिल्कुल भी मत आइएगा वरना आपको नुकसान होगा। जॉब प्लेस की बात करें तो कुछ लोगों को उनके जॉब, ड्रीम जॉब जो है वहां से लेटर रिसीव हो सकता है ज्वाइनिंग का, या आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब की तरफ, या आपको लग से पता चल सकता है कि कोई वैकेंसी निकली है आपकी ड्रीम जॉब पे, या फिर आप ही की जॉब में आपका प्रमोशन का जो ऑफर है वो निकल सकता है, या प्रमोशन लेटर भी काफी लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है। मतलब
जॉब में जो है वो काफी बेटर हो रहा है आपके लिए। जॉब में मतलब बहुत समय से जैसे सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिल रहा था वो इस हफ्ते में आपको मिलेगा। जो करना चाह रहे थे अब तक आपको लग रहा था कि वो चीज नहीं कर पा रहे, जो करना है तो वो चीज आप कर पाएंगे। फाइनेंशियली भी कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो ये हफ्ता जॉब के लिए तो काफी अच्छा है। कोई नया इंटरव्यू भी देना चाह रहे हैं तो आपका अच्छा ही गुजरेगा। बात करते हैं अगर हम बिजनेस के पर्पस की, कुछ लोग जो है अपना इंटीरियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बिजनेस में अपने शॉप रेनोवेट कर सकते हैं या शॉप शिफ्ट कर सकते हैं, या अपना शोरूम कोई नया खोल सकते हैं, या कोई ऑनलाइन भी आप नई चीज, नया पेज या नया कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने शॉप के बारे में, अपने गुड्स या सर्विस के बारे में लोगों को बताएंगे। कुछ लोग स्पेसिफिक लोग हैं अपने नए विजिटिंग कार्ड भी छपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइम में डीले हो रहा है। अगर आप बिजनेस कुछ कर रहे हैं या बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं थोड़ा सा डीले होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो डीले जो है उसको आपको देखने की जरूरत है कि ये डीले क्यों हो रहा है, कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे कुछ लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम में स्टार्ट हो जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए, पैसा कमाना शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन अभी आपका सेटअप नहीं हो पा रहा है, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, तो वो आप उसको ध्यान दीजिए। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो है इस समय में काफी अच्छे आप महसूस करेंगे। आपके पार्टनर चाहे कैसे भी बिहेव करें लेकिन आप अंदर से बहुत खुश होते दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव अपनी रिलेशनशिप को लेके हो रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैड हैबिट थी आपकी, वो बैड हैबिट भी आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब शायद बहुत ज्यादा आपको अपने पार्टनर को ताने देने की आदत थी या बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आदत थी, वो छूट रही है इस हफ्ते, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। ये पार्टनर कुछ भी करे हम बड़े शांत हैं और हम सब कुछ संभाल सकते हैं, एक मेच्योरिटी वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। इमोशनली भी काफी लोग जो है वो मेच्योर होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने पार्टनर के मदर से इस समय बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिश्ते को लेकर के काफी पॉजिटिवनेस जो है वो फील होगा। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपके फैमिली में किसी ने कर्जा ले रखा है या आपने ले रखा है जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपको काफी टेंशन है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप अपनी फैमिली से, फैमिली वालों से फाइनली कहेंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे और उनसे कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। तो वहां ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप मतलब हेल्प ले रहे हैं अपने घर वालों से और वो आपको कर भी रहे हैं डेफिनेटली। तो अगर ऐसा भी कोई भी प्रेशर है आपको उनसे बोल देना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा माहौल गंभीर सा ही दिख रहा है फैमिली का, वो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं सिंगल्स की, सिंगल्स को कोई नया रिश्ता आ सकता है या आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं या कोई नया आपको पार्टनर मिल सकता है और काफी अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है लेकिन हाँ एक एक्साइटमेंट का टाइम आपके लिए हो सकता है, किसी नए व्यक्ति से मिलना, उसके नए व्यूज को सुनना, उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना, वो थोड़े समय के लिए ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। बात करते हैं हम आपके बच्चों की, जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे इस समय आपसे कोई नई ड्रेस मांग सकते हैं या अपने सजने संवरने के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए वो कुछ कपड़े मांग सकते हैं, कुछ फैशन के आइटम्स मांग सकते हैं, क्लिप्स वगैरह आप उनको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो या नई शूज कुछ लोग लेते हुए या कैप वगैरह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी बच्चों पे इस समय में खर्चा हो सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो इस समय में आप काफी अपने जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं या फिर अपने जो पढ़ाई के जो मित्र हैं उनके साथ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको किसी तरीके की गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ जूनियर्स जो हैं या जो आप ही की तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके पास आए गाइडेंस के लिए, तो आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मेच्योरली उनको कुछ गाइडेंस देते हुए कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अपने फेलो स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को। मिथुन राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है आपका टाइम वेस्ट कराते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे जरा बच के चले। अगर वो आपको बार बार किसी जगह पे बुला रहे हैं, किसी काम के लिए बुला रहे हैं या आपको अपने ही काम से बुला रहे हैं कि आ जाओ मिल लो देख लो, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो काम आपका होने नहीं वाला है, टाइम वेस्ट है, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा क्योंकि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। बाहर जितना भी समय आप इस हफ्ते में गुजारेंगे वो मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, नींद पूरी नहीं होगी तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वहां थोड़ा सा फ्रेंड से बच के रहेंगे। जॉब
की अगर हम बात करें तो जॉब में आपकी आप मतलब खुद ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, आपके अंदर काफी वाइटालिटी, काफी एनर्जी आपको फील होगा, आपको नई नई चीजें लगेंगी कि हम काफी सारी नई चीजें कर पा रहे हैं, और अपने काम से आप खुद ही काफी खुश रहेंगे। आप खुश हैं तो बाकी लोग खुश हैं, तो पहले आप ही मुझे काफी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में आपके आसपास के कुछ लोग जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकली कहीं ऑफिस है, या आपका किसी तरीके का कोई पेपर वर्क अटका हुआ है, या गवर्नमेंट से आपका कोई अप्रूवल वगैरह आना है, वहां दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है अननेसेसरी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर पता नहीं क्यों आपके ऑफिस में ना अलग तरह की स्मेल आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा ही मतलब या तो कोई चूहा मर रहा है वहां पे, या कोई आसपास में कोई गटर आपके खराब हो रहा है, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्विच वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, गार्बेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्मेल है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान इस हफ्ते में रह सकते हैं बिजनेस ओनर्स जो हैं। वैसे बात करें तो एनर्जी जो है वो ठीक ही रहेगी, आप काफी कुछ करना तो चाहेंगे, लेकिन इन नई प्रॉब्लम्स जो आपके पास आ रही है ना इस हफ्ते में, उसकी वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एनर्जेटिकली तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं करने का, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें मुझे पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए पहले ही अगर आपके आसपास थोड़ी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही सतर्क होकर उन सारी चीजों को ठीक करके चलिए। बात करते हैं हम आपके मनी की। मनी जो है वो आपका अच्छा रहेगा। अगर किसी भी तरीके से आपका ऐसा काम है जहां आपको किसी को पैसा देना है और वहां से पैसा आपको आता है, यानी इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो इस समय में काफी सारे लोग आपके पास आ सकते हैं आपसे पैसा लेने के लिए और इंटरेस्ट देने के लिए भी। तो वहां फाइनेंशियली आपको गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है मुझे वो थोड़े से अपने पैसे को एकदम रोक के चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं, सेविंग्स खर्च नहीं करना चाहते, तो थोड़ी कंजूसी की आदत आपकी बढ़ सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है जब ऐसा डर या आदत हो, दान इंसान को ज्यादा करना चाहिए, उससे उसका वो जो मोह है वो भंग होने लगता है। बात करते हैं हम आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में तो चीजें आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ रियलाइज कर सकते हैं कि उनके अंदर ना ये बहुत गंदी आदत है, और इस गंदी आदत की वजह से आपको काफी तकलीफ हो रही है। आप बहुत समय से उस आदत को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर वो पाइल अप हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कहीं गलती तो नहीं कर दी, ये व्यक्ति इस तरीके का है, कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। तो उस तरह की जो फीलिंग्स है इस हफ्ते में आपकी हो सकती हैं। पार्टनर तो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ही अंदर ही अंदर थोड़ा डाउट करते हुए या थोड़ा सा सोचते हुए उनकी आदतों की वजह से थोड़ा इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं फैमिली लाइफ की। अगर प्लान कर रहे हैं बेबी, तो आपको कंसीव हो सकता है। अगर आपका प्रेगनेंसी ड्यू है तो इस हफ्ते में बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक बच्चा आपके घर आ सकता है। और वैसे फैमिली लाइफ देखें तो काफ़ी हैप्पीनेस है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं मुझे उनके सपनों में उनके पितृ जो हैं वो आ सकते हैं, खासकर मदर के साइड से, या मदर के मदर अगर आपकी नहीं है इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली, तो वो आ सकती हैं, या उनके साइड के लोग आ सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। घर वालों की तरफ से सुख शांति आपका बना रहेगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत आपकी नहीं है। बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ भी आपका काफी अच्छा बना हुआ है, बस कंधे में थोड़ा भारीपन या दर्द मुझे होता काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। या अगर कुछ नया पढ़ रहे हैं, या अभी स्टूडेंट है, या आपका पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करता है, तो वहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अक्षर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेन आपको आ सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई में जरूर बढ़ेगा। कर्क राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे आपका पास्ट आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना होगा अगर आपने किसी के साथ कट ऑफ कर दिया है तो भाई गलती से भी उनको अनब्लॉक मत करना, गलती से भी उनके साइड मत जाना, उनके आसपास मत दिखना, या उन्हें अपने आसपास मत आने देना। तो आपका पास्ट आपको हॉन्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है। अगर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है तो वो लोगों के सामने रिवील हो सकता है, या आपको डर लग सकता है कि ऐसा हो ना जाए। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन है छोटी सी प्रॉब्लम। स्पेशली मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उस पास्ट को लेकर के परेशान होते हुए या डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे बारिश में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में, तो वो अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक आपके लिए काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा इस हफ्ते में, काफी सारा म्यूजिक सुनते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी रात के समय में, हो सकता है तभी आप ज्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ सकता है, रुकावट आ सकती है, अनसेटिस्फेक्शन हो सकता है आपको।
डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है आपको कि जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है। अगर कोई क्रिएटिव काम है तो क्रिएटिव ब्लॉक आ सकता है, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि हो नहीं रहा है, तो वो जॉब में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। अपने आप को थोड़ा फ्लो करने देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे कम। मुझे ऐसा लग रहा है हो तो इतना ज्यादा नहीं रहा है, इस हफ्ते में सोच ज्यादा रहे हैं, उस सोच की वजह से चीजें ज्यादा टर्न आउट हो रही हैं ऐसे। तो अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए और ज्यादा मत सोचिए, जैसे गो इन द फ्लो, जैसा जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफी फ्लरिश होता दिखाई दे रहा है। आप एक तो आप पता नहीं बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट जो है वो शाइन कर रहा है और काफी लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है और आप बहुत शाइन कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पैसों को लेकर के भी आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इस समय में आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी नए क्रिएटिव आइडियाज़ बिजनेसमैन को इस समय में आ सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं तो उन लोगों को विशेष लाभ ज़रूर होगा। बात करते हैं सिंगल्स की, तो आपका सिंगल्स नहीं एक्चुअली रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में कुछ लोग सिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने पास्ट के जो भी पार्टनर हैं उनसे कट ऑफ कर लें, या जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके साथ नहीं चल रहा है तो फाइनली बिल्कुल डन कर दें उसको और उससे आगे बढ़ें। लेकिन उनके फ्रेंड्स या उनके कुछ नोन लोग जो हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं वो आपको कुछ बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपके पीठ पीछे कुछ बिचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देख करके चलना है। और एक चीज खत्म करेंगे तभी दूसरी नई चीज की तरफ शुरू होंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है फ्रीडम सी आपके अंदर उसके बाद आ जाएगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, दुनिया हमारे के लिए खुली हुई है, ये आखिरी रिश्ता नहीं था, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती है। तो बहुत इजीली मूव ऑन कर पाएंगे अगर बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनके पार्टनर उनके साथ थोड़ा सा रूखा बर्ताव कर सकते हैं और आपको कहीं ले जा सकते हैं जहां उस जगह पे जाना आपको पसंद नहीं है, तो वहां ऐसे किसी जगह को आपको झेलना पड़ सकता है या वहां उस तरह के लोगों को झेलना पड़ सकता है जहां आप जाना नहीं चाहते थे। फैमिली लाइफ की बात करें तो उसके अंदर काफी अच्छा है, आपके पार्टनर काफी सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली भी काफी सपोर्टिव रहेगी। हाँ, बट आपकी फैमिली कुछ रियलाइज कर सकती है अगर आपका कोई सीक्रेट है या आपकी कोई बात है ऐसी जो आप बताना नहीं चाह रहे थे या उनसे छुपा रहे थे या जान के नहीं बताना चाह रहे थे कि उनको टेंशन ना हो, वो इस पीरियड में इस हफ्ते में उनको पता चल सकती है, वरना सपोर्ट तो आपको अपनी फैमिली से जरूर मिलेगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो इस समय में काफी कॉन्सेंट्रेशन आपका बना रहेगा पढ़ाई को लेकर के, काफी इजीली आप बहुत सारा फोकस कर पाएंगे, बहुत सारी पढ़ाई को अच्छा कर पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन है आपका इस समय में तो वो भी आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। कुछ लोगों को कुछ एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं और स्टूडेंट हैं तो पता नहीं किसी तरीके का एडवांटेज आपको मिल रहा है, या तो आपके टीचर से कोई एडवांटेज मिल रहा है कि आपको आगे बैठाया जाएगा या आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या आपको अलग से कोचिंग दी जाएगी, मतलब कुछ सुंदर लोगों को, स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बैक में जरा प्रॉब्लम है, पूरा शोल्डर से लेके नीचे स्पाइन तक थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर ऑलरेडी कोई दिक्कत है तो उसको आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज थोड़ा पेन तो आपको इस हफ्ते में रह सकता है, तो उसका आपने ख्याल रखना है। इस समय में आप थोड़े से ना स्मार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप इतना इजीली लोगों की बातों में अब नहीं आएंगे, कुछ स्मार्ट हो जाएंगे। चाहे कितने भी लोग आपको उटपटांग की बातें सिखाने की कोशिश करें, लेकिन आपका अंदर से जो आपको चीजें आ रही हैं वो आप उसको डेफिनेटली ट्रस्ट करेंगे और उसकी वजह से अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे आप देख रहे हैं जैसे काफी लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं, जबकि आपका मन नहीं है, ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप प्रेशर लेकर के, आप उनकी सरदर्दी लेकर के, थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा है फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काफी सारे लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है, एटलीस्ट चिल्ड्रन को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आपके कार्य करने से। इस समय में आप काफी लोगों को जो है वो कुछ ज्ञान दे सकते हैं, आप उनको कुछ सिखा सकते हैं या आपसे लोग मोटिवेट हो सकते हैं। आपका अगर किसी तरीके का कोई रिश्ते में कोई खटास आ गई थी या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया था या आप अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रहे थे, मतलब किसी भी तरीके से फैमिली से दूरी थी, तो वो दूरी जो है वो इस समय में खत्म होती दिखाई दे रही है। काफी लोग जो है अपने बच्चों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी फैमिली लाइफ को भी ठीक इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जॉब की बात करते हैं तो जॉब में जो है थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऐसा कोई ऑफर आ सकता है या आपके सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भैया इसमें से थोड़ा सा झोल कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, किसको क्या पता चल जाएगा। लेकिन वो कोई आपके यहाँ कोई या तो नया एचआर चेंज हो रहे हैं या आपके जो एग्जिस्टिंग एचआर है जो फीमेल है उनको थोड़ा डाउट हो सकता है, शक हो सकता है, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जहाँ आपको फंसने की जरूरत आ जाए। तो वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसे आप कुछ स्मार्ट मूव लेना चाहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और कोई और आपको, एक्चुअली आप नहीं उसमें फंस रहे, कोई और आपको उसके लिए एडवाइस कर रहा है, ऐसा उसके एडवाइस में मत आइएगा। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में मुझे आप बहुत सारे नई नई चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर आप ये रियलाइज करेंगे या बहुत समय से अगर बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते रियलाइज कर लेंगे कि ये वाले काम में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, इसी से पैसा आता है, इसी को हमें यूज करना चाहिए, तो वो जो है वो आपके लिए काफी बेटर हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा जहाँ अलग अलग जगहों पे एनर्जी लग रही थी तो वो एनर्जी फोकस होके एक ही जगह पे आ जाएगी तो वहां से रिजल्ट आने लगेगा। और अगर नहीं समझ पा रहे तो इस हफ्ते बैठ के सोचिए कि हम अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं तो पैसा लेकिन हमें किससे आ रहा है सबसे ज्यादा, हम उसी को सबसे ज्यादा करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या सर्विस देंगे अच्छी, तो हमारे लिए बेटर होगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर आप अपने पार्टनर के साथ या फिर आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से जैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं जा रहे हैं या फ्रेंड ग्रुप के साथ कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ मिल करके फ्रेंड्स के साथ अब कुछ करते हुए रिलेशनशिप में इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। सरप्राइज पार्टी भी कुछ लोग प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपका आपके पार्टनर के फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मेल जोल होता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम सिंगल्स की, जो सिंगल्स हैं उनको कोई पुराना रिश्ता जो कि आपने पहले रिजेक्ट कर दिया था उस तरफ अब दोबारा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो रिश्ता एक नई लाइमलाइट में आपके पास आएगा, या आपको ऐसा लग सकता है अब तक तो हमने ये देखा ही नहीं था, ये सोचा ही नहीं था, इतना बुरा भी नहीं है रिश्ता, या आपको कोई और ऐसा सजेस्ट कर सकता है कि ये बेनिफिट्स तो हैं इसमें, तो वो आप कोई नया रिश्ता मतलब पुराना रिश्ता दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा मैरिज पर्पज से। बात करते हैं हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में कोई किसी को डिनर कराया जा सकता है, डिनर पे बुलाया जा सकता है, काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है मुझे कुछ पक्षियों को कुछ डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ खाना वगैरह आप डाल रहे हैं, और वहां पर कोई कुछ लोगों के लिए कुछ सफेद सा पक्षी जो है वो आकर के बार बार आपकी छत पे बैठ रहा है या आपके छज्जे पे बैठ रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उनको आप विशेष कुछ जरूर खिलाइएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ी मस्ती ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आपको कहीं पर जिसकी वजह से जो आपका पढ़ाई है वो पूरा ना हो, और थोड़ी मस्ती ज़्यादा हो रही है काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। इस समय में कोई आप किसी की बुक या किसी की स्टोरी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर करे, वो भी काफ़ी लोगों के लिए है। अगर एग्जामिनेशन के लिए इस समय में आप कहीं जा रहे हैं तो आप खुशी खुशी जाएंगे, कोई वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ का एरिया जो है वो अच्छा नहीं है जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं। पैसों की बात करें तो फाइनेंसिस आपके इस समय में ऐसे हो सकते हैं जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहे कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इन आउट इस हफ्ते में ज़्यादा आपका बना रह सकता है। कन्या राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप या तो किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं या लंच पे इनवाइट कर रहे हैं, या आपको कोई इनवाइट मिला है आप वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा निराशा आपको मिल रही है, जो सोच के गए थे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऑफ चीजें जा रही हैं। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसी स्टार्ट जो है वो दिख रही है इस हफ्ते में। जॉब की बात करें आपकी तो जॉब में काफ़ी कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ स्पेशल हो रहा है आपकी जॉब में, बहुत मैजिकल सा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे आपको अचानक से कोई चीज़ मिल जाए या अचानक से कोई ऑफर मिल जाए, या आपको ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा है किसी चीज़ पे, ऐसा कोई चीज़ आपके साथ इस हफ्ते में आपके जॉब प्लेस पे हो सकती है कि कोई कि किसी ने छुट्टी ले लिया, आपको उसकी जगह रख दिया गया है और आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि आपको परमानेंट कर दिया है, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपको उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा मैजिक सा लगेगा वो आपके जॉब प्लेस पे इस हफ्ते में जरूर होगा।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़े चिंतित आप दिखाई दे रहे हैं। पैसा कहीं दे रखा है या कहीं पैसा फंसा हुआ है उसकी वेट कर रहे हैं, या कोई प्रमोशन है जो मिल नहीं रही है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कोटेशन दे रखा है मिल नहीं रहा है, तो आप काफी मुझे बेचैन से होते दिखाई दे रहे हैं, काफी वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं बिजनेस को लेकर के। थोड़ा सा अपने आप को, आपको माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है कि वो आपको चीज मिल जाए। फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस आपके अच्छे बने रहेंगे, अच्छा अपना लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे, कुछ लाइफस्टाइल के लिए कुछ अच्छा खरीद भी सकते हैं, चाहे आप कोई नया अच्छे शूज खरीदें, या आप किसी तरीके का कोई फोन खरीदें, या अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी आप अच्छा खरीद सकते हैं, जो इससे आपको लगे कि अरे लोग इससे इंप्रेस होंगे, कुछ लोग ऐसा कुछ मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर समझने को ही तैयार नहीं है, तो एक रे ऑफ होप दिखाई दे रही है, या आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता बिल्कुल ही नहीं चलेगा, रिश्तों में कोई वो भाव नहीं रह गया है, तो वापस से रिश्ते रिवाइव होते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी लोगों के। उसमें होप भी आ रही है, वापस से खुशी का समय भी आ रहा है, किसी के वजह से आप एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे और वहां आपको एक दूसरे के प्रति फिर से प्रेम प्यार जो है वो जागृत हो जाएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली के अंदर कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जबरदस्ती आप दोनों के बीच में कोई आग लगाना चाहते हैं, कोई बात ऐसी करना चाहते हैं जिससे आप लोग डिस्टर्ब हो जाओ। आप लोग बहुत हैप्पी चल रहे हो, फैमिली अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आकर के, खासकर कोई लेडीज हैं, थोड़ी बल्कि हैं, थोड़ी हैवी लग रही हैं मुझे, वो आपके रिश्तों में आकर के कोई ऐसी बात बोलेंगी या कोई ऐसी बात आपको दिखाएंगी, या आपको फोन पे कुछ लोग ऐसा कुछ दिखाते हुए दिख रहे हैं तो वो आपको दिखाएंगे, तो आपको बहुत शौक सा लग सकता है, आपके पार्टनर को शौक लग सकता है, मतलब आप दोनों के बीच में वो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान से फिलहाल दूर रहें, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर बिलीव ना करें। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट इस समय में अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया टीचर ढूंढ रहे थे, या नई कोई कोचिंग ढूंढ रहे थे, या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये हफ्ता वो है कि आपको उन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। आपको काफी मतलब रिलैक्स फील होगा कि अरे फाइनली हम अपने ट्रैक पे आ गए हैं, हमें पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है, बस अब मेहनत करनी है और बस करते जाना है। या फिर अगर वेट कर रहे थे एग्जाम का, आपका वो नहीं आ रहे थे डेट्स, तो इस हफ्ते में डेट्स आपको रिसीव हो सकते हैं, तो मतलब एक ट्रैक पे आते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्लियरिटी आपकी आ रही है। कुछ लोग अपना कोई नया हेयर स्टाइल इस समय में कर सकते हैं, या कैप अपने लिए ले सकते हैं, अपने बालों के साथ कुछ कर सकते हैं, कलर भी काफी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लेडीज या लड़कियां जो है अपने बालों के लिए कोई नया क्लिप वगैरह ले रही हैं, जिसमें कुछ ज्वेलरी या ज्वेल्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई रत्न वगैरह लगे हुए हैं, इस तरीके का कोई चमकता हुआ कुछ आपके सर में आप लगा रहे हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो एनर्जी थोड़ी इस समय में लो रह सकती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं है। अगर पेट हैं आपके घर में तो उनके साथ खेलने से, उनके साथ रहने से आपकी एनर्जी जो है वो रिवाइव हो जाएगी, बट ऐसा आपको लग सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं जिसे आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, मतलब जितना भी आप अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो जाता है जिससे नेगेटिविटी भर जाती है और लोग आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, जिससे बॉडी में ऑल ओवर आपको पेन जो है वो फील हो सकता है। इस समय अगर सुबह उठ करके आप धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी की जो कमी आपके अंदर चल रही है वो दूर हो जाएगी। काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के ना अपना रूटीन ठीक कर रहे हैं और धूप में बैठ रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तुला राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो आपके करीबी हैं और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं आपके सपनों का। आप उनको अपनी इच्छाएं बता रहे हैं कि हमने ये सोचा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा, या हम अपनी ऐसी लाइफ मतलब विजन करते हैं, और वो सारे लोग जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे आपका मन जो थोड़ा खिन हो रहा है। लेकिन आप मुझे लगता है इस हफ्ते में किसी से अपनी पर्सनल बात शेयर ना करें तो ही अच्छा होगा, नहीं तो एक दूसरे से वो बात फैल सकती है, काफी लोगों को पता चल सकती है, तो इट्स बेटर कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आपके सपने हैं, आप अपने तक ही रखें, उस व्यक्ति को ही बताएं जो उसकी कदर करे, अदरवाइज शेयर ना करें। अगर हम जॉब प्लेस की आपकी बात देखते हैं तो जॉब में आपके कुछ हायर अच्छी चीजें हो सकती हैं,
इन दी सेंस कि एक तो मुझे आप अगर टीम लीड हैं या अपना कुछ मैनेजर जैसा काम करते हैं या आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो सारे आपको बहुत ज्यादा लुक अप टू करेंगे, आपको काफी ज्यादा मुझे कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत खुशी से आपका सहयोग कर रहे हैं। तो टीम को आप लीड करते हुए, काफी सारे लोगों को लीड करते हुए, काफी सारे लोगों को बताते हुए कि ये करना है, ऐसे करना है, और वो आपकी धुन पे नाच रहे एक तरीके से, वैसा दिखाई दे रहा है। तो जॉब प्लेस में एक सेटिस्फेक्शन आपको होगा क्योंकि लोग आपकी पूछ जो है वो करेंगे। अगर हम आपके बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग मुझे इस हफ्ते में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए या नया कोई इनकम का सोर्स स्टार्ट करते हुए या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए या किसी को पैसा देते हुए, जिससे कि पैसा लौट के आपके पास आएगा, या कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए बिजनेस पर्पज से दिख रहे हैं। और कुछ नया जो भी इस हफ्ते में आप स्टार्ट करेंगे वो एक अच्छी बिगनिंग आपके लिए, एक अच्छा आपके लिए स्टार्ट रहेगा, तो उस चीजों में काफी अच्छा है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी भी कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं, कुछ पुरानी चीजों को आप हटा रहे हैं और पुराने तौर तरीकों को भी चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे फाइनेंसेस में ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ फेर बदल कर रहे हैं, या आपके अकाउंट्स का जो पर्सन है वो बदल सकते हैं आप उसको, कोई सीए वगैरह नया आप कंसर्न कर रहे हैं, मतलब कुछ है जो अपने फाइनेंसेस में आप, या कोई नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में बिजनेस पर्पज से करते हुए लग रहे हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हैं या फिर अपने कोई नया बिजनेस है उसको कोई नाम सोच रहे हैं कि इसका नाम ये रखेंगे, वो भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। मनी वाइज बात करें तो इस समय में मनी कुछ लोगों का कहीं पे फ्रीज हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि पैसा आपका यहाँ पे रुका हुआ है या अभी आना है, रुक रहा है, तो अभी रुक सकता है, तो एक तो ये इशू है, लेकिन लास्ट लास्ट तक जब आपको उम्मीद नहीं होगी तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कंप्लीट मिलता नहीं दिखाई दे रहा, उससे थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है जैसे पैसा आपका फ्रीज हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अलग अलग अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या किसी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अलग अलग अकाउंट्स में आप उसको डाल सकते हैं, या आपको लगता है बैंक में कोई फॉल्ट आ सकती है तो उसको अलग अलग अकाउंट्स में डाल लेंगे, या कोई किसी अच्छे अकाउंट्स के पर्सन से कंसल्ट करेंगे तो आपको जरूर हेल्प करेंगे। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में एक तो नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ती हुई लग रही है, क्योंकि आपकी वजह से नहीं, आपके आसपास के लोगों की वजह से। कुछ लोगों को काली बिल्ली बहुत ज्यादा दिख सकती है इस समय में, और कुछ नेगेटिव चीजें आपको महसूस हो सकती है, जैसे कोई साया दिख रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे आप खड़े हैं वहां आपको डर लग रहा है, रात के समय डर लग रहा है, मतलब कुछ थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपके साथ होती दिख रही है मुझे। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं लेकिन दूसरों की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है। अगर सिगरेट वगैरह आप ज्यादा पीते हैं तो भैया लंग्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, खांसी बढ़ सकती है, तो सिगरेट को आपको कम करते रहना चाहिए और फिर इवेंचुअली उसको छोड़ देना चाहिए। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे पंजों में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज्यादा आपको चलने या खड़े होने का काम है, तो वो दो चीजें और मुझे दिख रही हैं। बात करते हैं हम आपके लव लाइफ की, तो लव में जो है आप किसी को बहुत सारा टाइम किसी के ऊपर स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आपके मन में किसी के लिए भावना आने लगी है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप बैठे उनके विचारों में और पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, या पता ही नहीं चला कब 3-4 घंटे गुजर गए, तो ऐसी कुछ चीजें आपके अंदर आ सकती हैं जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, थोड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं, और मन जो आपका थोड़ा उचाट हो सकता है, तो आप बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर दोस्तों से बातें कर रहे हैं, इधर उधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर वापस आके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो वो थोड़ा सा एनर्जी आपको लेकर के आने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस हफ्ते में कोई गुड न्यूज दिखाई दे रही है, गुड न्यूज इन द सेंस कि आपको कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, कुछ लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें बनाई थी, और अब वो आपको चमकते हुए देख रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जेलिसी हो रही है, उनको बिल्कुल करारा जवाब, उनके फेस को देखने वाली बात होगी, उनको आपने करारा जवाब दे दिया है बिना कुछ करे, तो वो एक शांति आपको वहां से आ सकती है, गुड न्यूज आ सकती है, जो आपके जिन लोगों ने आपका अपमान किया था उनको उसी सिचुएशन में पड़ना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ग्रेट समझेंगे, वो समझेंगे कि आपने कितनी मेहनत से आप यहाँ तक आए हैं, तो मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में आएगी, आपसे कहें या नहीं कहें सॉरी,
लेकिन वो उनको तो पता चल ही जाएगा कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं थे। तो ऐसा हफ्ते के स्टार्ट में काफी लोगों के लिए बन रहा है। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब पे थोड़े से सीक्रेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपसे जैसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है, आपकी कंपनी में कुछ हो रहा है नया, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है, और आपको लेकिन खुद ही पता भी चल जा रहा है थोड़ा सा। मतलब आइडिया आपको जरूर लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ आपके सामने इस हफ्ते में नहीं आएगी, आगने वाले समय में आपको पता चलेगी। अगर बात करते हैं हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़े से आप मुझे लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं। आपको लग रहा है हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीरियसनेस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा वर्किंग बढ़ाने की जरूरत है अपने बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ रहा है, थोड़ा सा थम सा रहा है। मतलब गति, जिस गति से तेज भाग रहे थे वो गति एकदम थम गई है। तो वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं उसकी वजह से आप सोच रहे नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद से तो चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं व्यापार को लेकर के, तो इस हफ्ते करेंगे नहीं, सोचिए, इवैल्यूएट कीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं, क्यों चीजें स्टक हो रही हैं, क्यों आपका स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो चीजें आप थोड़ा इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है आपकी तो मशीनें बंद पड़ सकती हैं इस समय में किसी कारण से, तो उन चीजों का इवैल्यूएट करिए तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से आप ट्राई कर सकते हैं, इस वीक आप कुछ चेंजेस मत लाइएगा। इस समय में बात करें हम आपके रिलेशनशिप की, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है या डेट के लिए अप्रोच कर सकता है जो बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको झूठे झूठे ऑफर दे रहा है या दे रही है। वो आपको किसी तरीके से बहलाना फुसलाना चाहते हैं, आपको कुछ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या मतलब चीज़ें कुछ ठीक नहीं है, बहुत ट्रिकी एनर्जी महसूस हो रही है, तो उससे थोड़ा बच के रहें। अगर किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो बहुत कॉशियसली मिले, लव इंटरेस्ट में तो बिल्कुल ना पड़े इस हफ्ते में, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी आपके लिए नहीं दिख रही हैं, या एटलीस्ट उनके बारे में ढंग से जान लें फिर आगे कोई कदम बढ़ाएं, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो चाहे आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप जो है वो बेटर होती दिखाई दे रही है, रिश्ते मधुर होंगे पहले से। अगर आपको लग रहा था कि बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही कोल्ड वॉर सा चल रहा था, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, या एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ें सुधरेंगी और प्यार भरी बातें आप दोनों के बीच में होती दिखाई दे रही। साथ में कहीं गार्डन में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे फूल हैं वहाँ जा सकते हैं, और घूमने फिरने की आपकी बातें हो सकती हैं या घूमने भी जा सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में इस समय बच्चे जो हैं वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकते हैं। मतलब बच्चों का या तो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, या शायद हाँ प्रोजेक्ट ही है, या बच्चों को आपने किसी फैंसी ड्रेस में भेजना है, या उनका कोई ऐसा काम है, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से ड्रेन हो रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है अपने काम को पहले से कर लें, ताकि आपको बच्चों का जब प्रेशर आए उनका काम करना है लास्ट मोमेंट पे बनेगा तो आप इजीली वो कर सकें, तो वहां थोड़ी एनर्जी कम होती दिखाई दे रही है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बेटर होगा, फोकस अच्छा हो रहा है, आप काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने कोर्स को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। कोई नया टीचर भी आपको मिल सकता है, या गाइड मिल सकता है, या कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिन्होंने ये सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उससे आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ और ईजी हो जाएंगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इसमें आपकी अच्छी ही रहेगी, हल्का फुल्का सर के पीछे दर्द हो सकता है, या कान के पीछे थोड़ा दर्द, पता नहीं कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी है। हाँ, लेकिन घर के बाहर निकलेंगे थोड़ा प्रोटेक्टेड होके निकलेंगे, क्योंकि घर के बाहर मुझे जो है कुछ लोगों को नज़र लग सकती है, तो आप लौट के घर में आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपको सर्दी पकड़ ले रही है, या कोई इन्फेक्शन सा लग जा रहा है, या कोई वायरल लग जा रहा है, तो उसका थोड़ा आपने ख्याल रखना है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा, आपका वजन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, या थोड़ा सा बूढ़ा बूढ़ा फील कर रहे थे, आपको यूथफुलनेस नहीं आ रही थी, आपको रिफ्रेश नहीं हो रहे थे सोने पे, कुछ लोगों का स्टमक भी जो है वो फ्रेश नहीं हो रहा था प्रॉपरली,
तो ये जो हफ्ता है इसमें ना आप काफी ऑपोजिट एनर्जी में आएंगे, इन दी सेंस कि बहुत ज्यादा यूथफुल हो जाएंगे, आपका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करने लगेगा, आप अपने आप को काफी यंग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक एनर्जी शिफ्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहाँ आप काफी बीमार, लेथर्जिक, लेजी वो फील कर रहे थे, उससे एकदम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो वो तो पूरे हफ्ते आपके साथ बना ही रहेगा। अगर हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई बात को लेकर के आपस में जॉब प्लेस पे कोई कानाफूसी चल रही है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ वर्क प्लेस पे शेयर करें और वो सबको फैला दें, या किसी से आप अपने मन की बात कहें वो इधर उधर उसको गलत तरीके से बता दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई सीक्रेट आपसे छुपाया जा रहा है, आपकी कोई बात लोग एक दूसरे से आपके पीछे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो वो थोड़ा माहौल जो है वो आपका खराब हो सकता है ऑफिस का, क्योंकि वो एनर्जी तो एटलीस्ट आप फील करेंगे ना कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अपने काम से काम अपने जॉब प्लेस पे रखेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से इस समय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे ज्यादा हैं आप, अपनी मन की बात सबको बता देते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो ये मत कीजिएगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से आपका फ्रूट्स रिलेटेड काम है, फ्लावर के रिलेटेड काम है, या आपका कोई मरून कलर का कोई भी चीज़ या रेड कलर की कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट है आपका, या फिर आपका पर्स वगैरह बनाने का काम है, या लेदर गुड्स का, या रैक्सीन वगैरह का काम है, या किसी तरीके का ऐसे जो कपड़े होते हैं जो लेदर टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने का काम है, तो उस समय विशेष कुछ लाभ आपको हो रहा है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अगर आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, तो आपको काफी अच्छा बड़ा ऑर्डर वहां से भी मिल सकता है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में मिल सकता है। बिजनेस में काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं हम आपके धन की, तो धन के अंदर थोड़ा सा सेविंग्स में से इस समय में आप निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन किसी रीज़न से आपको अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालना पड़ेगा। वो लग तो अच्छे ही जगह पे रहा है, उससे बेनिफिट भी आपको होगा, लेकिन इस हफ्ते में आप सेविंग कम करेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में आपको एक नई उम्मीद दिख सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों को मतलब शांति से निपटा सकते हैं, शांति से बात कर सकते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तो अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज होगी, आपके अंदर काफ़ी एक तरह की शांति आएगी और आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम बात करके इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनको अनब्लॉक इस समय में कर सकते हैं, या आपको देख के मुस्कुरा सकते हैं, या किसी और से आपको ऐसी बात सुनने को मिल सकती है कि वो आपके बारे में कोई अच्छी बात कह रहे थे, तो उसकी वजह से आपको एक उम्मीद दिखेगी सिंगल्स को भी और जो रिलेशनशिप में हैं वो लोगों को भी। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो फैमिली में एक तो अपने पेट का ख्याल रखें, कहीं जा सकता है आपका पेट बाहर कहीं और फिर आप काफ़ी लंबे समय तक उसको ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगा नहीं, तो एक तो उस चीज़ का ख्याल रखना है, उसको ध्यान देना है आपको अपने पेट का। और अगर बात करें तो फैमिली लाइफ में तो अच्छा ही रहेगा, थोड़ा किसी ये पितृपक्ष जैसे रहेगा ना, तो उस समय किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो सकती है आपकी, अपने पूर्वजों के किसी रीति रिवाज को लेकर के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ की आपकी बात करते हैं, हेल्थ में आप काफ़ी बेटर कर रहे हैं, काफ़ी बेटर कर रहे हैं। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था तो आपको शायद बाहर जाने का मौका मिल रहा है, या घर वालों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने का मौका मिल रहा है, या किसी कारण से आपके घर वाले आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी हल्का होगा, आप भी काफ़ी हल्के होंगे, लाइट फील करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप हंसने खिलखिलाने लगेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हेल्थ वाइज तो काफ़ी कुछ हो रहा है। हाँ, नींद थोड़ी बढ़ सकती है, आपका नींद का इनटेक बढ़ सकता है, कि अगर आप मान लीजिए 5-6 घंटे सो रहे थे या 7-8 घंटे सो रहे थे, तो 9-10 घंटे आप सो सकते हैं, लेकिन जब उठेंगे तो एकदम रिफ्रेश होकर के और अच्छे होकर के आप उठेंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को लेके बच्चों को थोड़ी चिंता हो सकती है, किसी करियर ऑप्शन को या किसी करियर पाथ के बारे में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो डाउट मन में ना लाने दें, मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत से अपने करियर पाथ के ऊपर चलते रहिए, आगे चल के वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है।
इस हफ्ते में एक तो मैं देख रही हूँ कि आपको ना नेचर से काफी कनेक्ट फील होगा, आपका मन करेगा बहुत लंबा समय हम नेचर के पास रहे, नेचर के साथ रहे, कुछ ना कुछ पेड़ पौधों से आपको विशेष लगाव हो सकता है, कुछ नए पौधे लगा भी सकते हैं, या आपको कोई पेड़ दिख जाए ऐसा, या आपके घर का कोई पौधा सूख रहा है तो आप उसकी केयर एक्स्ट्रा करने लगे, ऐसा काफी लोग के लिए दिख रहा है। इस समय में आप मुझे कुछ रिसर्च वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय से जैसे बहुत बिजी थे, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे, अपने आप को केयर नहीं दे रहे थे, तो ये वो टाइम होगा जहाँ कुछ चीजें सीख के या कुछ चीजें देख कर या अपने ऊपर कुछ आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को फील गुड कराएंगे। तो उसकी वजह से वो जो थोड़ा सा आपको निराशावाद आ रहा था या थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ उथली उथली चल रही है, वो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है लाइफ, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जब आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करेंगे इस हफ्ते में। जॉब की बात करें तो कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं या फिर आपके जॉब पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपके पीठ पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जो खिचड़ी पका रहे हैं तो उससे ज़रा दूर रहें। अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी ऐसा कुछ है तो फिर आप दूसरा जॉब देखना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी भी आपको साथ साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आज के आसपास में हो सकता है तुरंत अभी ना हो, तो थोड़ा सा अपने लिए ध्यान देकर के चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो पहले से ही अगर कोई ऑफर है तो उसको कंसीडर करें, या अगर आपके कोलीग्स जो हैं वो ऊटपटांग की बातें करते हैं तो उनसे भी थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बात तो वो करेंगे लेकिन फंसा आपको देंगे, जिससे कि आपका फेस जो है वो बैड फेस आपका हो जाएगा सीनियर्स के सामने। कुछ लोगों को यूरिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंटली होता है तो उसका ख्याल रखेंगे। कुछ लोगों को यूरिन जो है मुझे बहुत अनकंट्रोल्ड लग रहा है कि मतलब आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अर्जेंसी हो रही है आपको बार बार, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात आपकी इस समय में हो सकती है, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं अपने काम के लिए, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कोई नया ऑर्डर देख रहे हैं तो एटलीस्ट ऑर्डर की बातचीत शुरू हो जाएगी, और कुछ धन की प्राप्ति आपको मतलब एटलीस्ट कुछ एडवांस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिजनेस पर्पज से काफी अच्छा है और आपके काफी प्लान्स भी हैं, उस पैसे को भी आप वापस से बिजनेस में लगाएंगे जिससे और लाभ होगा। तो बिजनेस परस्पेक्टिव देखें तो आपका अच्छा ही रहेगा। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा, धन से आप अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, अपने आप को खुश कर पाएंगे, कुछ अपने लिए अपने आप को पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और फैमिली के लिए भी कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस समय में दोनों ही चीजें हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में दोस्त ज्यादा आ रहे हैं, या तो उनका जो वो इंक्लाइनमेंट है वो दोस्तों की तरफ ज्यादा पड़ रहा है, वो दोस्तों से ज्यादा बातें कर रहे हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या दोस्त कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब दोस्त आप दोनों की दोस्ती के बीच में रिलेशनशिप के बीच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप इस बात पर भी नाराज हो सकते हो कि आपके दोस्त मतलब उनके दोस्त जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपसे, तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है आप उनसे कुछ बोलेंगे तो नहीं अपने पार्टनर से, केवल महसूस करेंगे और थोड़ा सा खुद ही दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर वापस आपके पास भागते भागते आएंगे, और जब आप उनसे दूर होंगे तो उस समय आप अपने आप की केयर कर रहे होंगे, अपना टाइम अपने आप स्पेंड कर रहे होंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में कुछ मतलब आपके पूर्वज हैं जो गुजर गए हैं उनके लिए आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कोई भंडारा वगैरह कर सकते हैं, या कुछ कुछ ज़्यादा मतलब आप पशु पक्षियों को कुछ खिला सकते हैं, गौशाला भी कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे जितने लोग करते हैं उतना नहीं, उससे आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिससे आपके पितृ जो है वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, तो वो ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को पितृ उनके सपने में आ जाए, या बार बार उनके छत पे या उनके बालकनी में कोई पक्षी बार बार आए, कोई कौआ आ सकता है या कोई उल्लू आ सकता है तो वो बार बार दिखाई दे, या कोई सफेद पिजन भी आ सकता है तो वो बार बार दिखाई दे, जो आप समझ जाइए कि आपको किस दिशा में काम करना है। स्टडीज की बात करें तो स्टडीज में मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, फ्रेंड्स की वजह से बहुत ज्यादा मन भटकेगा, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होगी आपकी इसलिए आपका मन बहुत ज्यादा भटकेगा, और पढ़ाई आप प्रॉपरली अपना कॉन्सेंट्रेशन कर नहीं पाएंगे। कुंभ राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा।
इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से तो आप परेशान हैं, लेकिन बाहर से आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए कुछ और बन रहे हैं और भीतर से आपके मन में कोई और भावनाएं चल रही हैं। मतलब अंदर से थोड़े से लो फील कर रहे हैं, थोड़े डिप्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर आप लोगों को सबको दिखा रहे हैं, दूसरों को उल्टा खुश कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ आप खुद प्रॉब्लम में हैं या खुद अंदर से आप परेशान हैं, लेकिन दूसरों की परेशानियाँ आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक एनर्जी आपकी कैसे कहे थोड़ी सी बटी हुई रहेगी। मतलब अंदर से वो सेटिस्फैक्शन में आप नहीं रहेंगे, अंदर से वो एकजुटता आपके अंदर नहीं आएगी, तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिविजन्ड महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब प्लेस की, तो जॉब पे थोड़ी एनर्जीज चेंज होती दिखाई दे रही है। वहाँ पे भी जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, खुद मतलब प्रॉब्लम में है लेकिन जॉब प्लेस पे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और किसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है आपको। पता नहीं कौन सी खबर आपको किसी और के बारे में मिली है जॉब पर, जिसको सोच के आप उनके बारे में बहुत बुरा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, तो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तो फिर वो काम पे कॉन्सेंट्रेट आप पूरा कर नहीं पाएंगे और काम भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। फिर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपकी बहुत बेटरमेंट है। दूर दूर से कोई क्लाइंट या कस्टमर आपके आ सकते हैं, आपको कहीं जाने का अवसर मिल सकता है इस समय में। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है आपके लिए। आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी को, किसी बड़े क्लाइंट को उनके घर जाके या उनके कंपनी में जाके या उनके ऑफिस में जाके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो काफी बड़े क्लाइंट है, उनसे आपको काफी बेनिफिट आगे चल करके होगा। पैसों की बात करें तो पैसों में थोड़ी अभी आशा ही रही कि हाथ में पैसा नहीं आएगा, लेकिन आशा पूरी रहेगी कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, लेकिन अभी इस हफ्ते आता तो नहीं दिख रहा है, या आया भी तो थोड़ा बहुत आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। बात करें आपके स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप मतलब काफ़ी कुछ मैनेज करते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फोकस होते दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से स्केड्यूल बना रहे हैं कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और उसको फॉलो भी कर पा रहे हैं, तो काफ़ी डिसिप्लिन में मुझे लोग दिख रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की हम आपकी बात करें तो उसके अंदर आप काफ़ी हैप्पी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टार्ट हो सकता है। अगर सिर्फ फ्रेंडशिप थी तो आप उसे रिलेशनशिप में लेके जा सकते हैं, रिलेशनशिप था तो उसको शादी के कमिटमेंट में ले जा सकते हैं, और शादी हो गई है तो अब आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। तो वो काफ़ी एक हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ता हुआ मतलब ग्रोथ की तरफ आपकी रिलेशनशिप दिख रही है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ वैसे तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन पता नहीं क्यों आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। है कोई ऐसी बात नहीं, वो बस खुश हैं, लेकिन आपको उनके खुशी का रीज़न जानना है कि इतने खुश क्यों हैं, और आपको वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे तो वो बिहेव नहीं करते हैं, अचानक से वो ऐसी बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपको डाउटफुल बना रहा है, लेकिन डाउट वाली कोई बात है नहीं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा जुएं हो गई तो प्लीज़ बढ़ सकती हैं इस समय में, या आप ऐसे किसी लड़की के पास बैठ सकते हैं या ऐसे किसी लड़के के पास भी बैठ सकते हैं जिनके सर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जुएं हैं, तो आपके सर में वो जुएं बढ़ सकती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। अगर ऑलरेडी है तो उसको कंट्रोल करने के तरीके अपनाएं, क्योंकि तो इस समय में वो बढ़ सकते हैं। बार बार सर धोएंगे तो अच्छा है। आपको क्लीन मतलब क्लिनिनेस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो हैं वो मुझे इतने आलसी होते दिखाई दे रहे हैं इस समय में, इस हफ्ते में, कि वो नहा ही नहीं रहे, अपने बेड को ही नहीं छोड़ रहे, उनका मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, बिल्कुल पड़े हुए हैं, घर की भी हालत ख़राब है, खासकर जो बैचलर सिंगल्स हैं या आप इस समय आपके घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा आपने ऐसा हाल बना रखा है कि आप खाना कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, नहा नहीं रहे हैं, और स्मेल भी आ रही है आपके घर में से अलग अलग तरह की, तो उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा अपने साथ मत कीजिए। कुछ लोगों को कोई नया पेट या फिर पेट का कोई खिलौना या कोई शोपीस गिफ्ट में मिल सकता है, जिसे देख के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि चलो पेट नहीं ला पा रहे हैं तो शोपीस ही सही, या कोई शोपीस या कोई मतलब सॉफ्ट टॉय वगैरह है, किसी एनिमल का है, किसी पेट का है, तो वो आपको गिफ्ट मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं, गिफ्ट मिलता ही वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे आप किसी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं। या तो ऐसा कुछ लोगों के लग रहा है कहीं से पैसा ले रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली समझ लीजिए आपके लिए शुभ संकेत होगा कि सफ़ेद पंख अगर आपको कहीं दिखाई देता है, कहीं अपनी बालकनी में गिरा हुआ या अपने कहीं भी बेडरूम में, बाथरूम में या सड़क पर भी कहीं दिख जाता है सफ़ेद
पंख एक भी हो तो आपका भाग्य उस दिन से जागृत होने लगेगा। एक दो दिन उसके आसपास आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। पैसा किसी से मांगना चाहते हैं, फाइनेंशियल नीड है तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर किसी के फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि पैसा जल्दी लौट के आएगा। कुछ लोग जो है वो मुझे नेगेटिव लाइट में से पॉजिटिव लाइट में आते दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आपको कुछ लोगों ने आपको गलत समझा हुआ था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी हो गई थी तो वो इस समय में दूर हो सकती हैं और आप एक पॉजिटिव लाइट में आएंगे, लोग आपकी हेल्प करने को आगे आएंगे। तो अगर कोई रिश्ता खराब है तो इस समय में ट्राई कर सकते हैं, सुधर जाएगा। कुछ लोग स्पेशली कुछ लड़कियां अपने बालों के साथ कुछ करती हुई मुझे दिखाई दे रही, कोई नया हेयर स्टाइल कर सकती हैं, कोई नई चोटी सीख सकते हैं या बना सकते हैं, मतलब अपने हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हेयर कटिंग भी काफ़ी लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि आपके बाल जो है वो उलझ सकते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो काफ़ी बड़ा एक चंक बालों का जो है वो टूट सकता है, आपको काटना पड़ सकता है, निकालना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ऐसा दिख रहा है। एक हेल्थ इश्यू भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। एक तो सर में दर्द होना, दबाव महसूस होना, सर के दोनों तरफ, टेम्पल्स के दोनों तरफ ऐसा लगेगा जैसे सर कोई दबा रहा है, ऐसा दर्द होना। और साथ में कुछ हाथों में पता नहीं क्यों आपका ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गर्मी महसूस हो रही है या बॉडी में बहुत हीट है तो हाथों में से गर्मी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दो चीज़ें हेल्थ के लिए दिख रही हैं। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में आपका बेटरमेंट होगा। अगर आप अपने जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, आप निराश हो रहे थे, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे थे, तो वो आराम से हो पाएंगे। आप एक अगेन एक अच्छी लाइमलाइट में आएंगे। अब तक जो आपको यूजलेस समझ रहे थे या आपको डांट पड़ रही थी कि ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें अच्छी आपके लिए होंगी और आप एक अच्छी लाइमलाइट में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने जॉब प्लेस पे। और अपने जॉब पे आप काफ़ी सुंदर बन के भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं बिजनेस में, किसी के लिए कुछ नई चाबी दिखाई दे रही है, तो या तो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं नया अपना बिजनेस रिलेटेड, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई जगह ढूंढ रहे हैं या कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं या कोई फाइनेंसेस ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ ढूंढते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और मतलब वेट कर रहे हैं। इस समय में थोड़ा वेटिंग पीरियड होगा, अभी ढूंढेंगे, अभी तो मिलेगा नहीं लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। तो कुछ बिजनेस को बढ़ाने या शुरू करने के लिए आप कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं। मनी की बात करें तो मनी को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत खर्चा कर देने वाले हैं और उस खर्चे की वजह से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा मंथ भी काटना है तो ऐसा ना हो कि मंथ के एंड तक बिल्कुल ही पैसा ना बचे, तो वो आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की। लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। आपको आपके फैमिली वाले पता नहीं क्यों आपके रिश्ते को लेके काफ़ी टोंड कस रहे हैं, और आपके सिस्टर्स हैं या मतलब फीमेल फिगर्स ज़्यादा हैं जो आपको टोंड दे रही हैं कि देखा ऐसा पहले कहा था हमने, ये तो ठीक नहीं था, तुम ही मतलब इन चक्रों में पड़ा था या पड़ी थी, मतलब इस तरीके के कुछ टॉन्ट आपको रिलेशनशिप को लेकर के मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश हो रहे हैं, थोड़ा सा सैड हो रहे हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा सिकुड़ रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। तो वो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ब्रेकअप मतलब नहीं हुआ है, जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। इशारा आप समझ गए होंगे। बात करते हैं फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ की बात करें तो इसके अंदर बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। घर में अगर छोटा कोई भी बच्चा या बच्ची है उसके साथ बहुत आप एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है उनका कोई पता नहीं क्यों आप उनको डेकोरेट कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं किसी फंक्शन के लिए या किसी कहीं ले जाने के लिए, तो उसको प्रोसेस को आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उस बच्चे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दूध का ख्याल रखें, दूध आपका गिर सकता है या बिल्ली आके आपका दूध पी सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और उस जगह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो पैर ज़रा संभाल के रखेंगे, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका पैर जो है वो मिट्टी में धंस जाए। आप सभी का ये हफ्ता बहुत सुखद जाए, भगवान जी आप पर कृपा करते रहे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।